कोरबा जिले में आउटडोर गेम्स के साथ इंडोर गेम्स को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में शनिवार से कोरबा में बाकी मोगरा के मनोरंजन मंदिर में राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है। यह प्रतियोगिता दो अलग अलग वर्गों में आयोजित होगी, जिसमें जूनियर और सीनियर्स को शामिल किया जाएगा। राज्य स्तरीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता के नाम से होने वाले इस दो दिवसीय आयोजन की बागडोर खुद जिला शतरंज संघ ने संभाल रखी है। संघ के जिला प्रमुख आर एल विश्वकर्मा ने इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा की। जिला शतरंज संघ द्वारा जो प्रतियोगिता की जा रही है वो 4-5 जनवरी को मनोरंजन मंदिर बाकी मोगरा में होना है और इसमें लगभग विभिन्न जिलों के 50 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनके रहने की व्यवस्था भी समुचित कर दी गई है और खाना की व्यवस्था भी की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि इससे जो प्लेयर्स आगे आएंगे हमारे इस क्षेत्र के, इनको आगे खेलने का मौका मिलेगा, कुछ शिक्षा भी मिलेगी, हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस टूर्नामेंट में आने की कोशिश आने की संभावना नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी।